आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं वजीव बाग के पुलिया मोहल्ले में, जो लखनऊ के पुराने लखनऊ में पड़ता है। यहाँ पे मौजूद तमाम जरी के कारीगर हैं, जिसे हम हस्तकरदा भी कहते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके काम में क्या क्या समस्याएं आती हैं और आगामी चुनाव को लेकर इनका क्या मूड है। जी, आप अपना नाम बता दें। मोहम्मद कामिल। इस काम को आप कब से कर रहे हैं? करीब 3 साल हो गए। अच्छा, आप अपना भी नाम बता दें। मोहम्मद अबरार। मोहम्मद इमरान। ये बताइए अबरार जी, ये बताइए इस काम को आप कब से कर रहे हैं? बचपने से माशाल्लाह कर रहे हैं। बचपने से। और इस काम को करने के लिए कितने, एक साड़ी को बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है और कितने दिन में बन जाती है? कम से कम इसकी जरूरत पड़ेगी 3 आदमी। 12 घंटे करेंगे, 3-3 घंटे, 12 घंटे करेंगे तो 3 आदमी सिल जाएगी ये। जी, एक चीज़ में बताइए कि क्या आपकी लागत जो है और आपकी जो मेहनत है उसका सही दाम मिल पा रहा है? नहीं, सही दाम नहीं मिल पा रहा है। 150 रुपये नफरी मिलती है, उसमें 12 घंटे सीते को 300 रुपये काम होता है। और कोई इसमें यही लागत है बस हम लोग की, मेहनत के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। इससे अच्छा को मजदूर है, मजदूर इससे अच्छा 8 घंटे काम करता है, वो ये ईंटे घूमने वाला, वो 8 घंटे काम करता है तो 400 रुपये कमा लेता है। हम लोग 500 रुपये को हम लोग बचत नहीं इसमें। अच्छा, हमें ये बताइए कि सरकार तमाम योजनाओं को चला रही है, बुनकरों के लिए, हस्तकरदा के लिए या ये महीन कामों के लिए, तो क्या आपको उस योजनाओं से कुछ लाभ मिला है? जी नहीं, हमें तो लाभ कोई नहीं मिला है। समझ लिए, हम लोग जहाँ यहाँ 12-12 घंटे 13-13 घंटे मतलब आँखों को जो है मतलब तकलीफ दे के सीते हैं काम, मगर कोई लाभ नहीं मिलता हम लोगों को। मतलब समझ लिए, मेहनत का भी फल हम लोगों को नहीं मिलता है। तो क्या आपने कभी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से कोई लोन लिया है? जी नहीं, कोई लोन नहीं। जी, आप अपना नाम बता दें। जी, मोहम्मद सैफी। सैफी, आप हमें ये बताएं कि इस काम को करने में कितने लोग लगते हैं एक साड़ी को बनाने में? एक साड़ी को बनाने में लगभग 10 लोग लगते हैं। जी। और क्या समय लगता है? समय लगभग यही 4-5 दिन लगते हैं। इस क्षेत्र में, अभी जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, इस क्षेत्र में कितने घरों में ये काम होता होगा और क्या रेशियो होगा? लगभग 90% घरों में यही काम होता है जी, लेकिन अब जो है दिन पे दिन इसकी तादाद कम हो रही है। लगभग अब इसमें 30% लोग बचे होंगे इस काम करने, बाकी अलग लोग जो हैं कुछ रिक्शा चला रहे हैं, कुछ सब्जी बेच रहे हैं, कुछ मजदूरी कर रहे हैं, यही सब हो रहा है। तो यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये सब लोग इसी काम को करते हैं? जी हाँ, यहाँ पर जितने खड़े सब इसी काम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए क्या क्या दिक्कतें आती हैं इस काम को करने के दौरान? आपकी आंखों में कुछ ऐसा कुछ होता है या फिर कुछ आपके शरीर में कुछ बदलाव आता है? समझ लिए, कमर से ये सोच लिए आदमी सीधा नहीं खड़ा होता है जब 12 घंटे करके उठता है काम, और समझ लिए आँखों को इतनी आराम नहीं मिल पाती जितनी सोचा है, मतलब सोचना पड़ता है कि आँखों को आराम मिले, इतनी आराम नहीं मिल पाती है। तो हमें ये बताएं कि जो आप मेहनत करते हैं उसका, जो आप लागत लगाते हैं, जो मेहनत और लागत को लगाते हैं, क्या उसका सही आपको मूल्य मिल पाता है? नहीं मिल पाता भाई, बहुत परेशान रहते हैं, इसीलिए जो है हमने काम ये आला छोड़ के बैटरी रिक्शा चला रहे, क्योंकि इस काम में इतनी परेशानी हो गई थी कि अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पा रहे थे भाई। तो इसलिए बेहतर है इस काम से निकल के हम बैटरी रिक्शा चला ले, वो ज़्यादा बेहतर है। इस काम में अगर रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे, बुढ़ापा मेरा जो है इसमें कट नहीं पाएगा। 4 दिन के बाद मालूम है जो है इसमें कोई बीमार हो जाए तो पैसे का कर्जा इधर उधर लेना पड़ता है, और फिर इधर उधर पैसे लेने के बाद उनका कर्जा नहीं अदा हो पाता था। तो इस बेहतर है इस काम से, अब जब से निकले हैं तो हम उस काम में बेहतर हैं, अपने सुकून में भाई। अच्छा, हमें ये बताएं कि सरकार की तरफ से कोई आपको लाभ मिला है
इस काम को करने के लिए? यहाँ पे तो कोई भैया किसी को लाभ नहीं मिला जहाँ तक कि मेरी जानकारी। विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, तो क्या आप उससे रूबरू हो पाए और उस योजना का लाभ ले पाए? नहीं, कई आदमियों ने भरा फारा मारा मगर घर देख गए लोग, मगर हुआ कुछ नहीं, मिला नहीं उनको। भाई उन्हीं लोग ने बताया, अभी हमको मिला नहीं कुछ। एक बार हमें ये समझाएं कि इस साड़ी को बनने के बाद आप मार्केट में कैसे भेजते हैं और ये सामान आपका कहाँ कहाँ तक जाता है? सामान तो ये बहुत विदेशों में जाता है, लेकिन यहाँ से पहले जो इसका जो दुकानदार होता है उसके बाद जाता है, फिर उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग करता है फिर उसके बाद जाता है, उसके बाद ये शोरूम में जाता है माल। लेकिन लागत जो है इसकी मजदूरों को नहीं मिलती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं उनको मिलती है खाली। मतलब जो बेचता है वो सही दाम लेता है? जी हाँ, वो सही दाम लेता है, लेकिन जो बुनकर है उसको बस 150-200 रुपए से दिहाड़ी से ज्यादा नहीं मिलता है। आप भी भाई यही काम करते हैं? जी, हम भी यही काम करते हैं। तो कब से कब है, आपकी उम्र क्या होगी? 26 साल। 26 साल। आप हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो आप मेहनत करते हैं, जो आप अपने समय कुछ में गवाते हैं, उसका सही दाम मिल पाता है? नहीं मिल पाता, उसका सही दाम मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग मेहनत जरूर करते हैं इस पे, लेकिन इस काम की जो है बहुत कम मेहनत मिलती है। दिन भर काम करेंगे तो 200 रुपए का काम कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों है कि शुरू से क्या ऐसा है, आप तो बुजुर्ग हैं, आप बताएं कि क्या मेहनत का सही दाम नहीं मिल पाता है? नहीं, कुछ सही दाम कोई नहीं मिल रहा है यहाँ। हम लोग बचपन से ये काम कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं इसमें। ये काम करते करते हो गए बुजुर्ग, अब इनकी हालत आप खुद देख लिए, उम्र में हमारे होंगे लमसम, ठीक, इतना इनको दिक्कत है, ये रियल में बता रहे हैं हम। बस ये क्या किया जाए, बस ये घर चला रहे हैं जैसे 100-200 में, 200 रुपए की लेबरी करके जाते हैं बस, ये इससे ज्यादा नहीं। तो ये काम कब समय था सही था और आज के समय में क्या क्या दिक्कतें हैं? बहुत समय में बहुत छोड़ते जा रहे हैं, मजबूरी जब निकलेगी नहीं, कहाँ से पैसा इतना, जब 300 रुपये मजदूरी 12 घंटे काम करें 300 रुपये मिलते, फायदा क्या है? इससे अच्छा का मजदूर हैं 500 रुपये कमाते 8 घंटे में। अच्छा ये बताएं कि उत्तर प्रदेश आगामी चुनाव महज कुछ महीने बचे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर में? सरकार किसी की बने, हम लोग को कोई लाभ ना मिला है ना मिलेगा, बात खत्म। और आपके मुताबिक? कोई भी बने सरकार, हम लोग को कुछ मिला नहीं है जी। ये भी आप हमें ये बताएं, क्या आप भी इसी पेशे से जुड़े हैं? किस पेशे से? ये बुनाई कढ़ाई। हाँ हाँ, जुड़े हुए। ये बताइए, क्या आपके मेहनत का सही दाम मिल पाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो सरकार तमाम योजनाएं चलाती है और आप लोग को लोन देने का प्रावधान की है, क्या आप लोग की बिरादरी जो यहाँ पे है इस बुनकर वाली, क्या उनको कुछ लाभ मिला है आसपास पड़ोस में? लोन ऐसा कुछ नहीं मिला है, आया है ऑफर, आया कितनी दफा लोगों ने भरा भी, मगर उसके बाद भी नहीं आया किसी का। मतलब कह सकते हैं कि अधिकारी उसको वहीं दबा दिए? दबा देता है, बैंक के चक्कर काटना पड़ता है, उसके बाद बैंक की कॉपी खाली, जीरो निकल आता है। जी, क्या बता रहे हो? बैंक वाले भी बहुत परेशान करते हैं, दौड़ाते हैं चक्कर, लेकिन बैंक से कुछ होता नहीं काम, जो अपना ही पैसा जमा करो उसमें नहीं निकल पाता है लोगों का। अच्छा, आप हमें अपना नाम बताएं। मसरूर अहमद जी। चचा, हमें ये बताएं कि आप भी इस कला से जुड़े हुए हैं, कला और जिसमें कढ़ाई और बुनाई की जाती है? वह अब माहौल की वजह से है कि जो अपने काम बनवाते हैं वो अपने जो है ऐसा मजदूरों को नहीं मिल पाता है बस। तो मतलब आपके मुताबिक आपके मेहनत का सही दाम नहीं मिल पाता है? जी हाँ, नहीं मिल पाता है। कितने घंटे काम करते हैं आप लोग? हम लोग जो है अपना पेट पालने के लिए 14-12 घंटे इतना काम करते हैं। और क्या दाम मिलता है आपको? बहुत से बहुत 300-350 बस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश आगामी चुनाव में किसकी सरकार इस बार आने वाली है? इस बार सरकार का तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहे, जो भी सरकार आए अगर इंसान का ध्यान रखे। अब ये दर्दोजी का काम है, आदमी 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहा है, उसको मिलने 300-350 रुपए मिल रहे हैं। महंगाई इतनी इस कदर की है कि आदमी को लेने से आज के टाइम पे 500-400 रुपए खर्चा है आदमी का, और इंसान का कैसे पूरा होता है भाई? इंसान का माहौल क्या है, दर्दोजी का काम का क्या माहौल चल रहा है, ये सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या माहौल है क्या नहीं है, पैसे कौड़ी मिल रहे नहीं मिल रहे, कारखानदार काम सिलवा रहे वो अपने पास रख रहे, और यहाँ पे हम लोगों को जो आधे से आधा थोड़ा थोड़ा करके पैसा मिल रहा है,
उसके बाद ये भी उससे बाकी हो जाते पैसे, आज नहीं कल नहीं परसों देंगे, तो इस तरीके से क्या है? या फिर कोई सरकार अपने अंडर में काम ले ले कि चलो अपने हिसाब से 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करे, कम से 500 रुपये एक आदमी को मिलना चाहिए। इससे अच्छा तो मजदूर है, कम से मजदूर आदमी वो सही है, क्योंकि वो 500 रुपये डेली कमा के कम से लाता तो है घर पे। बस ये हवा कहने का मतलब ये है। हाँ, लॉकडाउन के बाद से क्या आपके काम में कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि आपको दाम नहीं मिल पा रहा? हाँ, लॉकडाउन के बाद से बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इसलिए क्योंकि इस तरह की दिक्कत हो गई। सबसे ज़्यादा जो पैसे मिलने वाले थे इंसान ने उसका बहाने भी कर दिया कि लॉकडाउन आ गया, पैसे नहीं मिल रहे, दिल्ली बंद है, ये बंद है। तो यहाँ भी जो इंसान काम कर रहे हैं 8 घंटे हफ्ता भर का काम कर रहे हैं, कम से कम उनको तो पैसे मिलने चाहिए, उनको तो ज़रूरत की चीज़ है। इंसान घर में खर्चे हैं, और लॉकडाउन के बाद हर आदमी परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। मजदूर से बदतर हाल है, दरदोजी लाइन का बदतर हाल है। मतलब आपके वहाँ जो ये कला करते हैं उनको दरगोजी कहते हैं? जी जी, आरी दरदोजी का काम कहते हैं वो। जी जी जी, दरदोजी पूरे अरवल में काम होता है, लेकिन दिल्ली बम्बई हर जगह, हैदराबाद हर जगह रेट अच्छे, सिर्फ यहाँ पे रेट ऐसे है 100-150 रुपये मिल, 200-250 रुपये नफरी मिल रही है अगर बहुत अच्छी जगह बैठे तो, नहीं तो 150 रुपये से ऊपर नफरी नहीं मिलती यहाँ पे। और सरकार कह रही है कि हम तमाम योजनाएं चला रहे हैं आप लोगों के लिए, तो क्या ऐसी कोई योजनाओं का आप लोग लाभ लिए हैं? अभी तक के तो कोई सरकार आई नहीं यहाँ पे योजनाओं के बारे में, और अगर आए एक घर घर में खटखटाए बताए तो कम से कम ये योजना है, ये योजना है, कम से कम आदमी हर आदमी दौड़ेगा। उससे पहले इंसान से पैसे ले लिया था, कहते 200 रुपये पहले दे दो, 300 रुपये पहले दे दो, पहले पैसे दे दो उसके बाद काम, जिसको देते हैं पैसे लेके भाग जाता है, दोबारा तक के आते ही नहीं है। राशन कार्ड, कितने के राशन कार्ड बने, कितने के नहीं बने, कितने के आधार बने, कितने के नहीं बने, तो ऐसे काम थोड़ी ना होता है। अगर हमारा कहना है एक घर में 8 लोग रहते हैं तो उनके सबके राशन कार्ड, वही उनके सबके आधार होने चाहिए, सबका राशन कार्ड में नाम चढ़ना चाहिए, किसी का नाम चढ़ा है किसी का नाम कटा है, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। ये मसला है, यही दिक्कत है बस, और कोई बात नहीं है। बस हम ये चाहते हैं सरकार ये अलग काम अगर अपने अंडर में ले ले, और अपनी जैसे चाहे ड्यूटी भी दे चाहे तनख्वाह भी दे, कम से कम इंसान को डायरेक्ट पैसा तो मिलेगा। मजदूर आदमी कम से कम 600-700 रुपये उठाता है, लेकिन हम लोगों का काम ऐसा 8 घंटे ड्यूटी करते उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम यही चाहते हैं सरकार से, यही निवेदन, चाहे कोई सी सरकार आए, लेकिन हम चाहते हैं ख्याल करें। अच्छा भाई, हमें एक चीज़ बताइए, इस काम से जो लोग जुड़े हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कुछ दिक्कतें होती हैं क्या? हाँ, दिक्कतें होती हैं, पूरे हाथ की आँखों की हर चीज़ की परेशानी होती है। हम लोग जो काम करते हैं, अगर हम लोगों को अच्छे अगर पैसे ही मिल जाए तो हम लोगों को कोई दिक्कत ही ना हो। हम लोग जो है पैसे, हम लोग ने इतनी मेहनत करी, हम लोग काम करते हैं 8 घंटे ड्यूटी करके बैठते, एक जगह अड्डे बैठना बहुत बड़ी बात होती है। आजकल मजदूरों में आदमी कैसे दौड़ता है भागता है, वो आदमी इतनी मेहनत करता है, हम लोग को उससे ज़्यादा दुगना तिगना मेहनत पड़ती है। आदमी सोचता बैठे हुए काम कर रहे, तो इसीलिए हम यही चाहते हैं कि कुल मिला के हम लोगों के रेट पैसे अच्छे हो, कम से कम नहीं निकल के 10 घंटे की 2 नफरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने 12 घंटे की, तो हर जगह 10 घंटे की ड्यूटी चल रही है 2 नफरी, यहाँ 12 घंटे की 2 नफरी चल रही है। तो हम यही चाहते हैं कम से कम घंटे थोड़े कम हुए और पैसे हम लोग को थोड़े ज़्यादा मिले, जो सिलवार है वो भी ज़्यादा दे, और जो आदमी सिले तो उसको भी खुशी से सिले, हम यही चाहते हैं। ये मतलब आपके मुताबिक सरकार को इस काम को अपने कब्जे में लेके, मतलब अपने उसको संचालित करे और मजदूर लोगों को रखे और उन्हें पैसा दे जिससे उनका फायदा हो सके। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? जो अच्छा काम करेगा उसी की सरकार आएगी। अच्छा, आप बताएं। जी बताएं, आप पूछिए। आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में किसकी सरकार बनते हुए आपको दिख रही है? समाजवादी पार्टी की। आप क्या कह रहे हैं? मोदी जी की। क्यों? सरकार तो उन्हीं की चल रही होगी, मोदी जी की। अगला जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, अब ये तो अल्लाह उस लड़ाई में इसके बारे में तो अल्लाह ही जानता है, पूरी मखलूक के मालिक, हम तो बता नहीं सकते, वो अल्लाह को मालूम है। हम इसके बारे में क्या बताएं, आगे क्या होगा वो अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता है। बात नहीं भाई, अल्लाह जी। भाई आइए इधर, आइए। आप हमें ये बताइए कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको क्या क्या इसमें दिक्कतें आती हैं? इसमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं भाई। मेरी क्या दिक्कत है? इसमें सवारी बहुत कम हो गई है और पैसे की बड़ी तंगी हो गई है। अब हम आपको क्या बताएं, जब से मोदी जी बैठे हैं अब से बहुत तंगी हो गई है। आपके लिए नहीं बैठ पाएंगे, आपके लिए अखिलेश जी आएंगे। अरे यहाँ पे तो समझ लिए एक हिसाब से कि नाला जब पानी चलने लगता है तो नाला इस कदर का भर जाता है कि बैठने बरसात में निकलने बैठने वालों को, ये घर जो बने हुए हैं नाले के बराबर में, इन लोगों को बड़ी तकलीफें होती हैं।
समझ लिए खाने पीने का सामान तक के नहीं ला पाते हैं या निकल पाते हैं बच्चे, जल अगर हो जाता है यहाँ जल जमा हो जाता है, समझ लिए जो चबूतरा ऊंचा हुआ है, ये चबूतरा इसीलिए ऊंचा हुआ है कि ये पानी भर जाता था, इसलिए अंदर ना जाए पानी, कारखाने के अंदर ना जाए या घरों के अंदर ना जाए, इस वजह से बच्चे स्कूल कैसे जावें, बच्चे खाने पीने का चाय पानी का राशन कैसे लावें, कोई हिसाब नहीं, कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, समझ लीजिए ये हाल है। अच्छा हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव है महज कुछ महीनों में, तो आपको क्या लगता है कि इस बार की रेस में सबसे आगे कौन है? भाई हमें तो सबसे आगे जो है कांग्रेस दिख रही है, और बस मिली आपको कांग्रेस आगे आगे क्यों दिख रही है? कांग्रेस टाइम काम अच्छा कर रही ना, कुछ काम हमें बताएं। बहुत सारे काम है, जैसे उसने 40% महिलाओं को भागीदारी दी है, और भी है जैसे कि हैंड एम्ब्रॉयडरी पे ध्यान दे रही है, तो इसलिए मतलब जो है हमें लग रहा है कि आगे, क्योंकि देखिए इस क्षेत्र में कम से कम 1.5-2 लाख जरी वाला है। जरी वाला का मतलब हैंड एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला है, हाँ। और उसके लिए कोई किसी ने आवाज़ नहीं उठाई आज तक, चाहे योगी जी हों, चाहे फलाने हों, चाहे ढमकाने, उससे पहले जितने भी आए अखिलेश जी ने भी कोई मतलब जरी वालों के लिए कोई काम नहीं किया, तो इसलिए अब आपकी इन्हीं ने आवाज़ उठाई है, तो इसलिए लगता है कि भाई सभी के दिलों में जगह बना रही हैं प्रियंका जी जो हैं। मतलब आपके मुताबिक जो 403 विधानसभाओं में से 40% महिलाओं को वो टिकट दे रही हैं, उसके बुनियाद पे वो इस बार सत्ता में आ रही हैं, आप क्या कहेंगे? अरे सरकार कोई सी भी आए काम सही करे। और ये पानी की और ये सब देखे कितना गंदगी है यहाँ पे, समझे, महंगाई हद से ज़्यादा 200 रुपये में कड़वा तेल चल रहा है, ज़्यादा हो गया तेल, इतना महंगा हो गया, हर चीज़ 220 रुपये में तेल चल रहा है, कोलू वाला अब 110 मिलता था। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं महंगाई को लेकर? 110 रुपये में पहले मिलता है, जब से ये लॉकडाउन हुआ है 2 साल में 110 में मिलता था, अभी 210 में हो गया है, 220 में, तो कहाँ आदमी लाएगा आदमी बचा? हम लोगों को मिलना वही है कि 150 रुपये या 200 रुपये दिन भर के मिलते हैं, वो भी कमर आड़ी करो, आंखें फोड़ो, उसके बाद में हम 220 रुपये का तेल कहाँ से लेके आएंगे ये बताओ भाई, कोई नहीं ला पाएगा, मजबूर हर आदमी है भाई, हम ये चाहते हैं। आप सभी में से कितनों के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं सरकारी स्कूलों में? कुछ सरकारी स्कूलों में तो नहीं जाते हैं, नहीं जाते स्कूल में, सुविधाएं नहीं है ना भाई, बच्चा जाता हुआ दिन भर खेलता है, टीचर सूटर बुनती रहती हैं, और ये करती रहती है, वो करती रहती है, बच्चा खेलता है उसके बाद घर चला आता, तो विद्यालय से फायदा क्या प्राथमिक, इसलिए भाई हम लोग प्राइवेट में भेजते हैं, क्या करें मजबूरी हमारी, अगर सरकारी स्कूलों का इंतजाम अच्छा हो तो हमारे बच्चे सरकारी में ना पढ़े, क्योंकि हम तो सरकारी में पढ़ाने काबिल है ना, प्राइवेट के पढ़ाने काबिल ही नहीं है, इसलिए बाकी अगर भाई सारा सिस्टम सही हो जाए तो हम लोगों को क्या है भाई, हम लोगों का सारा सिस्टम सरकारी स्कूल में भेजें। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे जानते हैं कि रोजगार को लेकर वो क्या कहेंगे कि रोजगार क्या इस सरकार ने दे पाई है और क्या दिक्कतें आई हैं? नहीं बहुत सही दिक्कतें मेरे भाई, भ्रष्टाचार बहुत है, हर जिंगाने भ्रष्टाचार है, बहुत दिक्कतें हैं, काम धंधा किसी के पास नहीं है, आजकल लोग सिर्फ जुआ सट्टाबाजी शराब में मस्त है। अच्छा हमें ये बताइए कि तत्कालीन सरकार कह रही है कि हमने 4 लाख रोजगार दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ है आप बताइए ना, कहाँ है अमा, एक आदमी बेचारा जो साफ सफाई का ना, एक सफाई वहाँ से लेगा वहाँ से करता है बेचारा, एक चक्कर अभी सफाई नहीं हो पाई, वो देखिए वो पत्थर टूटे हुए नाले के सले कहाँ सफाई है, अमा एक आदमी को लगा देगा ये साफ सफाई कर देगा प्रतिदिन? हाँ एक आदमी बताइए ये सला कोई साफ सफाई हो रही है, इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी, वो खुद बेचारा परेशान है। अच्छा आपका व्यवसाय क्या हमें बताएं? भैया हमारा तो यही कहना है सब आदमी काम धंधा मिले, रोजगार सबको मिले, काम करें और सब हंसी खुशी रहे। आप किस व्यवसाय से जुड़े हैं, क्या आप भी बुनकर हैं? देखिए हम तो भाई सबकी अपने हिसाब से इज्जत करते हैं, काम जो करेगा वही जीतेगा, अपील जो जीतेगा वही काम, जो काम करेगा वही जीतेगा, बाकी तो हमें कहीं काम नहीं दिखला। और पहली बात हर जिगाने भ्रष्टाचार है, चौकी हो थाने हो, कितने भी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं या सरकारी हैं, भ्रष्टाचार से ज़्यादा है, गरीब आदमी हसेरा परेशान है, वहाँ से सुनवाई नहीं किसी की होती, वहाँ लिख दिए गए हाँ भाई आपके नीचे चलना है, अब उसके नहीं चल रहा है, अब कोई मेन आदमी पहुँच गया मेन ओहदे वाला झम से उसके सुई लगे वो लग गए ग्लूकोज चढ़ गए, अब उसको लिख दिया वहाँ नहीं चढ़ा, बहुत दिक्कत है।
बहुत परेशानी सबके मेरे भाई, कोई कोई किसी बात काम धंधा नहीं। शिक्षा और चिकित्सा पे क्या कहेंगे आप, उस पर क्या क्या असर है? और उस पर भाई बहुत दिक्कतें हैं, और हमारे हिसाब से काम तो बिल्कुल नहीं है, और बस कहीं कहीं पे है भी तो उस पर कोई इतना है ही नहीं। मेन जो गौर करने वो तो सामने दिख रहा है, हम क्या कहें वो सब जानते हैं अच्छा बुरा, मगर हमें हिसाब से भाई कुछ नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार है। और आदमी कहता है यार हमें ये सब चीज़ें मिलेंगी, आदमी तो सोचता है हमें ये आई सरकार है इससे हमें कुछ मिलेगा, मगर हमें तो कुछ नहीं दिख रहा भाई, बाकी किसी को दिख रहा तो दिख रहा, मगर आपके मुताबिक किसकी सरकार आते हुए आपको दिख रही है? साहब से भैया अखिलेश भाई की सरकार अपील आने वाली है पक्की से, सपोर्ट से, अब बाकी वो किसी क्या है भाई, उसने काम करा, मैंने हर जगह खुद मैं गया हूँ उसकी राजमहल में देखा काम हुआ, चार बाग है और आपका कैसे यहाँ वाले ये, और हर जिंगाने बाग है, उसने काम करा मुझे उसका काम दिखा, बाकी कहीं काम नहीं दिखा। हाँ इनने खाली ये काम करा सिर्फ नाम चेंज करें हर जगह, ये हिंदू हैं ये मुसलमान हैं, और यहाँ पे ये सब देख जान लें हिंदू कहाँ भी हिंदू होगा भाई वो मुसलमान रहेगा, वो कहाँ मुसलमान वहाँ हिंदू रहेगा, ये एकता वाला है भाई, ये हिंदुस्तान है भाई, यहाँ सभी अच्छे रहते हैं। अब खाली कहें हम खाली हिंदू हैं और हम हिंदू अपना चलाएंगे तो वह काम ही चलेगा, उससे काम कहीं चलिए, कहाँ हिंदू होंगे वहीं मुसलमान रहेंगे, अभी उसी से होगी लोग, मतलब आपके मुताबिक सभी धर्मों को साथ चलना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा। जी प्यार आप अपना नाम बता दें। सिराज नाम है मेरा। अच्छा हमें ये बताइए कि इस मोहल्ले में साफ सफाई और स्वच्छता को लेके क्या काम किया जाता है? कुछ नहीं हुआ है, देखिए आप कितनी गंदगी है वहाँ पे, देखिए यहाँ से वहाँ तक के कुछ भी नहीं साफ सफाई, कोविड चल रहा है ठीक है, इतना डेंगू फैला हुआ है, एक पूरे एरिया में खाली घंटा पे गड़ैया पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ खाली वैक्सीनेशन हो रहा है ठीक है, प्लस बहुत दिक्कतें हैं, देख लिए बच्चे यहाँ घूमते हैं, इतनी गंदगी है, अब बीमारी होगी, और कुछ इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं होता तो कैसे चलेगा, आप खुद बताइए, कुछ ऐसा नहीं है यहाँ। सफाई कर्मी कोई नियुक्त है जो आके साफ सफाई यहाँ का देखते हैं? कभी कदार आते हैं वो करते हैं, आप देखिए कितनी गंदगी है यहाँ से वहाँ तक के, बहुत दिक्कतें हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये लोग स्कूल जाते हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड टाइम चल रहा है, और इस टाइम देखिए कुछ भी सफाई नहीं है यहाँ पर, बहुत दिक्कतें हैं, पानी भर जाता है बारिश में, और कितने हादसे होते हैं, कुछ बेचारे गरीब लड़के छोटे जो होते हैं वो गिर जाते हैं, हाथ से चोट लग जाती है, बहुत सी जो है समस्याएं हैं, मगर सरकार ने अभी तक के कुछ किया नहीं है, अब आप आए हैं तो हम आपको बता रहे हैं तो शायद कुछ कार्रवाई, बस यही है कि मोहल्ले में साफ सफाई हो और सब लोग अच्छे रहें, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी रोज़गार तो कुछ है नहीं यहाँ, देख सकते हैं आप कितने लोग टहल घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस यही है। आप किस पेशे से जुड़े हैं? हम इसी पेशे से जुड़े हैं। हाँ तो आप एक दिन में कितने रुपए कमा लेते हैं? बस हम तो मतलब यहाँ ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ आप देख लीजिए कितने लोग परेशान हैं, देखिए इन लोग बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें हैं, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर रोज़गार। अच्छा आप हमें ये बताइए कि जो जरी ये हस्तकथा का काम है, इसमें क्या उम्र से बच्चे आना काम करना शुरू कर देते हैं और क्या उम्र तक? जैसे बच्चा है हम लोग ने तेपर से सीखा, हम लोग ने तेपर से सीखा, मतलब अभी ये नाबालिग होते हैं तब से ही अपना पेट पालना शुरू कर। हाँ 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 भाई गरीबी है, जिन जो अमीर है उनकी तो बात अलग है, जो लोग गरीब है जिनको पैसा चाहिए यानी घर में कुछ है नहीं वो तो अपने बच्चों को लगा रहे थे। हम अगले लॉकडाउन में एकदम छोटे छोटे बच्चे पान भेज रहे थे, जिनके वालिद नहीं वालदा हैं बहनें भाई छोटे, तो बजाय बच्चे पान भेज रहे थे, यानी लॉकडाउन के बाद कुछ हालात सुधरने की उम्मीद थी, अब ये जो दूसरा तीसरा फिर दिखा दिया इससे गड़बड़ हो गया मामला, मतलब सुधरने की उम्मीद थी मगर अब फिर लोग डर गए हैं, काम काज डाउन हो गया, अभी सही चल रहा था दिवाली वाले टाइम तक की, आप इधर फिर डाउन हो रहा है। जी आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम रईस है। रईस जी, जी आप हमें ये बताइए कि क्या आप भी बुनकरी के काम से जुड़े हैं? जी जी। तो हमें ये बताइए क्या क्या समस्याएं आती है, और सरकार जो कहती है विभिन्न योजनाएं लाई है, क्या उसका लाभ यहाँ के लोगों को कुछ मिला है? अरे किसी को कोई लाभ नहीं मिला, एक तो नफरी इतनी कम है कि आदमी परेशान है, 8 घंटे की ड्यूटी के अंदर उसको 150 रुपये मिल रहे हैं इतनी महंगाई के टाइम में, तो इससे कोई इतना खास लाभ नहीं मिल रहा किसी को। अच्छा ये बताइए कि क्या यहाँ के लोग जो हैं वो एक दिन में कितना रुपए कमा लेते होंगे और कितने घंटा वो काम करते हैं?
मेरे ख्याल से 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं तब जाके 300-250 रुपए की उसकी मजदूरी बनती है जाके। अच्छा, ये काम जो है ये महीन काम है, तो क्या कुछ स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें भी होती हैं क्या? स्वास्थ्य संबंधित क्या, आदमी जो है बैठता है पूरा पूरा दिन, उसको बैठ के ही काम करना है। बैठे 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 उठ पाता नहीं ना चलता है, कहाँ जाएगा वो, क्योंकि उसको बैठ के ही काम करना है। अब 14 घंटे जब वो काम करता है, जब जाके उसको 250-300 मिलते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का क्या ख्याल रखेगा? अगर उसको उसकी मेहनत का सही दाम मिले तो कुछ अपना स्वास्थ्य के लिए अपना सोचे, वो क्या सोचेगा? अच्छा, यहाँ पे जो लोग हैं उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं? क्यों यहाँ कुछ लोग बता रहे थे कि हम इस काम को छोड़ के रिक्शा चला रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सब्जी बेच रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है, सही दाम नहीं मिल पा रहा है, या फिर ऐसा क्या है कि उन लोग ये काम से छोड़ रहे हैं, हट रहे हैं? नहीं, काम भी बहुत कम है, काम ही नहीं है। अभी 4-5 सालों से काम में बहुत कमी आ गई है, और जो भी है भी तो उनको सही पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो मजबूरन वो बेचारे ये रिक्शा चला रहे हैं, कोई सब्जी कोई प्याज बेच रहा है। समस्याएं तो यहाँ एक नहीं 50 समस्याएं, अभी बारिश आ जाएगी यहाँ आप खड़े में आधे डूब जाएंगे, यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है। यहाँ की जो जरी की कारीगरी है वो कहाँ कहाँ तक जाती थी पहले, और आज का क्या? नहीं नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाती, जो जरी हाथ का काम जो है पूरा पूरे वर्ल्ड में जाता है यहाँ से बन के, लेकिन जो है अभी काम बहुत कम है, काम यानी ना के बराबर है। लॉकडाउन के बाद क्या प्रभाव पड़ा है? अरे लॉकडाउन के बाद तो, लॉकडाउन के बाद तो छोड़िए आप, लॉकडाउन के बाद तो खाने के लाले लोगों के, खाने के लाले हैं। जरी का काम लगभग बंद हो चुका था, अब तो एकदम ही बंद ही था, लेकिन अब थोड़ा बहुत चल रहा है, हर काम बंद था, लेकिन अब ये है कि जरी का काम अब थोड़ा बहुत चला है, लेकिन इसमें 60% लोगों ने छोड़ दिया काम, कोई रक्षा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, काम ही नहीं है, क्या करें। आप हमें ये बताइए कि आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में आपको किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है, कौन आगे है? बस भाई अखिलेश, और कौन, दूसरा कोई है ही नहीं, अखिलेश है बस। अखिलेश आपको आगे क्यों दिख रहे हैं? अरे नहीं, अखिलेश की सरकार में अच्छा है, इंसान है वो, अच्छा इंसान है, इसलिए हमको दिख रहा है। यहाँ मौजूद तमाम जरी मतलब कि हस्तकरघा के तमाम कारीगरों ने अपनी समस्याओं को गुनाया, और उसमें से प्रमुख समस्या ये रही कि एक उम्र के बाद उनकी आँख कमजोर हो जाती है, और हमने जब चुनाव की बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कोई किसी पार्टी को जिता रहा है तो कोई किसी को। और कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में, या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।